जी, और जो पार्टी विद डिफरेंस कभी बीजेपी भी अपने लिए कहती थी, आप लोग आजकल अपने लिए कहते हैं, तो ये डिफरेंस बरकरार रहेगा या वैसे कोई बड़ा अंतर आपको लगता है आपकी पार्टी और दूसरी पार्टियों में बच गया है? एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि हमारी पार्टी की जब सरकार बनती है तो हम ईमानदारी से काम करते हैं, हम ईमानदारी से स्कूल अस्पताल बनवाने पे काम करते हैं, बिजली महंगी ना हो, महिलाओं के लिए इशू ना बने, सुरक्षा वगैरह, नौकरियां निकलें, हम इस पे काम करते हैं। बाकी पार्टियां करती नहीं दिखती, ये आप भी देख रहे हैं। मनीष भाई, इस सब चर्चा से इतर एक सवाल है मेरा, उसके बाद आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे। देखिए, हमेशा एक चर्चा है देश में कि MLA, विधायक, इनकी तनख्वाह, वेतन, भत्ते, इसको लेकर जब आप लोगों ने पूरा मूवमेंट शुरू किया, मैं तब से कवर कर रहा हूँ, आप लोगों को देख रहा हूँ, तो आप लोगों का भी दावा था कि साहब गाड़ी नहीं लेंगे, भत्ते नहीं लेंगे। लेकिन इसमें मेरा ये मानना है कि जरूरी है, जब आप इतने बड़ा सिस्टम आप चलाएंगे, इस पूरी व्यवस्था को चलाने, इन सब चीज़ों की जरूरत है। लेकिन आज भी देश में इसको लेकर एक बहस है कि साहब एक MLA की सैलरी इतनी क्यों होती है, एक मंत्री की सैलरी इतनी क्यों होती है, इस पर क्या राय है मनीष सिसोदिया की, क्योंकि आप नई तरह की राजनीति की बात करते। देखिए, इसमें बहुत स्पष्ट है और हम पहले दिन से स्पष्ट थे, ये अब हमसे हर तरह की जो चीज़ें हमने नहीं की वो भी लाके कह दी जाती हैं, आपने ऐसा बोला ऐसा बोला। हमारा सिंपल है, जितनी ज़रूरतें एक MLA को अपने खर्चा चलाने के लिए, दफ्तर चलाने के लिए, अपने इलाके में घूमने के लिए चाहिए, अपने परिवार चलाने के लिए चाहिए, उसको उतना देना चाहिए आज के दौर में। बाकी जो हवाई चीज़ें हैं उसके ऊपर सब कुछ सारी सरकार को लुटा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, या सब कुछ उसके लिए उपलब्ध हो जाए, फ्री हो जाए, वो भी नहीं होना चाहिए। जो एक आम आदमी को अपने परिवार चलाने के लिए और MLA जैसा काम करने के लिए, 50 लोग आते हैं आपके पास में किसी भी समय, जिसमें 200 लोग आते हैं, उनको बैठाने की जगह, ये सब चीज़ें तो होनी चाहिए। लेकिन इससे ऊपर आप केवल और केवल एक लग्जरियस लाइफ, 5-स्टार लाइफ के लिए किसी MLA को देते हो, वो गलत है। तो दिल्ली में जब हमने इस पर काम किया, देखा MLA को 12,000 रुपये की तनख्वाह मिलती थी, और शायद ये मान लिया गया होता होगा यार 12,000 रुपये के अलावा तो MLA बहुत कमाता होगा, वो कमाई लेगा। हमने कहा साहब कुछ कमाएगा नहीं, 12,000 को ठीक करके 50,000 कर दो। नहीं, वो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही, तो वो हमने किया। जी मनीष जी, आखिर में अब ये बताइए कि हरियाणा के लिए क्या क्या फ्री के वादे आप करने वाले हैं, लोग क्योंकि आपके घोषणा पत्र का इंतजार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं केजरीवाल जी कुछ ही देर में बाहर भी आने वाले हैं, तो क्या घोषणा पत्र भी वही जारी करेंगे? नहीं, देखिए हरियाणा के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने पहले से ही, क्योंकि उससे पहले तो चुनाव में देख ही रहे थे, वो तैयारियां करवा रहे थे, 5 गारंटियां केजरीवाल जी ने पहले से दी हुई हैं। और वो मैं पहले तो इस पर टिप्पणी करूंगा, ये फ्री के वादे नहीं है, जनता की मेहनत की कमाई से होने वाली चीज़ें हैं, जिसको बाकी पार्टियां, बाकी सरकारें अपने ऐश में उड़ाती हैं, फर्जी चीज़ों में उड़ाती हैं। हम कह रहे हैं उसको जनता के ऊपर खर्च करेंगे, तो फ्री नहीं है। हाँ, मैंने बोल के किया फ्री, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ही कहा जाता है कि आप लोग फ्री, ये भी फ्री, तो वो जनता की मेहनत की कमाई का जो टैक्स आता है, उस टैक्स को हम एक्चुअली शिक्षा पे खर्च करना चाहते हैं, इलाज पे खर्च करना चाहते हैं। तो सारे सरकारी स्कूल शानदार करके और हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में फीस नहीं बढ़ने देने का, ये हमारे केजरीवाल जी की गारंटी है। दूसरी गारंटी केजरीवाल जी की है कि वहाँ 24 घंटे बिजली मिलेगी और 200 यूनिट तक बिजली के बिल नहीं आएंगे, ये दूसरी गारंटी है उनकी। इसी तरह से 5 गारंटियां हैं महिलाओं के लिए, है कि 1,000 रुपये का उनको हर महीने का भत्ता मिलेगा, क्योंकि उनको घर का खर्च चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, युवाओं के लिए, नौकरियों के लिए, जितनी नौकरियां पड़ी हुई हैं सारी भरी जाएंगी और भी नए नए अवसर दिए जाएंगे। और व्यापारियों के लिए भी ईमानदारी से काम करा जाएगा, एक नई तरह की गवर्नेंस, व्यापारी जो दिल्ली और पंजाब में देखा, टैक्स कम रख के लोगों के ऊपर बर्डन ना पड़े, उस तरह की गवर्नेंस। तो 5 गारंटियां केजरीवाल जी की हैं। तो आप कह रहे हैं कि पूरा पॉलिटिकल कल्चर आप हरियाणा का बदलेंगे? बिल्कुल, ये पॉलिटिकल कल्चर गवर्नेंस कल्चर है, लोगों को अपेक्षा होती है यार सरकार है, हर चीज में कुछ ले दे के काम होगा, कोई कुछ लेने देने की जरूरत नहीं, ईमानदारी से काम होगा। खैर, आप पॉलिटिकल कल्चर बदलने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक का जो इतिहास है हरियाणा का, हरियाणा के किसान ने अपनी मेहनत से एग्रीकल्चर को तो बदला है, लेकिन पॉलिटिकल कल्चर अभी तक नहीं बदल पाया। मनीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ABP News, आपको रखे आगे।